ना ही हमें इसमें आलू की ज़रूरत है, ना ही लहसुन की, प्याज की और ना ही टमाटर की ज़रूरत है। ये बैंगन की रेसिपी बहुत झटपट से रेडी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए देख लेते हैं ये बनते कैसे हैं। सबसे पहले आप काले लंबे बैंगन या गोल बैंगन का चुनाव करें, जो भी घर में अवेलेबल हो उसी से ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो सबसे पहले आप इसे मनचाहे शेप में कट कर लीजिए। टमाटर की महंगाई में कोई भी सब्जी बन पाना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है, तो आप बैंगन की सब्जी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पैन में डालते हैं 2 चम्मच तेल, इसे इस तरीके से चारों तरफ फैला लें, फिर बैंगन के पीस को इसमें एक एक करके रख लें। एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार बना के खाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखते हुए इसे सॉफ्ट होने दें, ये बहुत जल्दी ही सॉफ्ट हो जाते हैं। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखते हुए उलट पलट कर अच्छी तरीके से इसे सेक लें। जब ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए तो चाकू की हेल्प से इसमें कट लगाना है, ताकि हमारे जो मसाले रहें वो इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। देखिए इस तरीके से चाकू से थोड़ा थोड़ा सा कट लगा दें। ध्यान देने वाली बात, आपको साइड में कट नहीं लगाना है, आपको बीच में कट लगाना है। अब पैन से इसे निकाल लें और सेम पैन का यूज़ करें। डालते हैं उसमें 2 चम्मच के लगभग तेल। आप यहाँ पे कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तेल गर्म होने पे इसमें ऐड करें 1/2 चम्मच के लगभग जीरा और 1/2 चम्मच के लगभग मेथी दाना। चुटकी भर हींग के साथ ऐड करें 1 चम्मच भर कर बेसन। बेसन से हमें इसमें बाइंडिंग भी मिलेगा और टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा आएगा। इसे थोड़ा सा लो टू मीडियम गैस पे रोस्ट कर लें। साथ में ऐड करें बेसिक मसाले, जिसमें मैंने ऐड किया है 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हल्दी कलर के लिए और साबुत मिर्च। अब इस स्टेज पे आपका गैस लो रहना चाहिए और इन मसालों को 2 मिनट तक रोस्ट कर लें। आप यहाँ पे लहसुन और अदरक का भी यूज़ कर सकती हैं, और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा, क्योंकि मुझे इसे बिना लहसुन बिना प्याज का बनाना था इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी दही। आप फ्रेश थिक दही का यूज़ कीजिए, यदि आपके पास दही अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ नींबू रस का भी यूज़ कर सकती हैं। थोड़ी सी खटास से हमारी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। अब सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। गैस का फ्लेम लो ही रखें, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करिएगा, नहीं तो आपके मसाले पूरी तरीके से जल जाएंगे। इन मसालों को आपको ढक के बिल्कुल भी नहीं पकाना है, बस कंटिन्यू चलाते हुए इसे गाढ़ा घोल की तरह रेडी करें। जब मसालों वाला मिक्सचर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे बैंगन, जो हमने रोस्ट करके रखा है। एक एक करके बैंगन रखने के बाद उलट पलट कर मसालों के साथ कोटिंग कर लें। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। इसे आप गरम गरम रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन बराबर आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक फिर से नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरी छोटी सी सब्सक्राइबर फैमिली को और जो फैमिली जुड़ रही है उनको प्यार भरा नमस्कार।